प्रीति, आज मैं तुमसे कुछ फैसला करने आया हूँ। करो करो। फैसला कुछ जबरदस्त भी हो सकता है। क्या? क्या? मतलब कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत कुछ नहीं है। सिद्धम सूद करो करो क्या? जब तुम मुझसे ऐसे बोल सकते हो तो मैं भी ऐसे बोल सकती हूँ। कहीं ऐसा ना मैं कुछ और बोल लूँ और फिर आपको बस यही बात थी क्या? चलो भाई बोलो बोलो। मैं शादी करना चाहता हूँ दूसरी। क्यों? मर्जी है मेरी नू। तो कर ले, कौन सी करेगी, इतने सुतरी से कलकाना है। इतनी सुतरी सी कलका जीवित तो है वो। कर ले कर ले। हाँ कौन सी आओगी जा देख का। कुछ फिकर नहीं है, ये तो मैं ही राख रही हूँ इसे ने। अच्छा हाँ, दिन रात काम करे जाऊँ और फिर क्या देख की करे है दिन में, सारा दिन पड़ी सोया है। अरे कुछ हालात ऐसे हैं प्रीति जी आपके साथ जो हम नहीं निभा सकते, और कुछ हालात हमारे ऐसे बन गए कि उनके साथ निभा सकते हैं। जब मेरे साथ नहीं निभा सकते तो और किसी के साथ क्या ही निभाओगे। तो तुम्हारे साथ तो हम इसलिए नहीं निभा सकते प्रीति जी क्योंकि यहाँ पे तो मुझे करके खाना पड़ता है। अच्छा, और जो उसके साथ शादी होगी वहाँ पे मुझे लेट के खाना पड़ेगा। घर जमाई बना के रख रहे हैं मेरे को, घर जमाई कितने दिन खिला देंगे बैठा के, ये भी देख लेना। बैठाएंगे क्यों नहीं, देखना किसका। अरे जो बंदा मेरे नाम 50 करोड़ रुपए की जायदाद कर रहा है तो मैं तुम्हारा क्या करूँगा फिर मैं। सही कह रहे हो। अब मेरा काम क्या है? मैं तुम्हारे माँ बाप को रखने के लिए एक नौकरानी तो आई थी, जब इतना दहेज मांगा था है? कह रहे थे पहले तो बस एक सिंगल सूट में भेज देना, और फिर बाद में मुंह फाड़ने लग गए, ये लेके आ वो लेके आ, मेरे से कपड़े नहीं लाए जाते, सारा कुछ लाते लाते आज तक अपने घर से लाके कपड़े पहनती हूँ। क्या किया है तुमने मेरा? तो फिर अच्छा ही तो है कि मुझे आजाद कर दोगे तुम, मैं अपनी मर्जी से जी तो सकूंगी, ले जाना अपने माँ बाप को भी। तो फिर दहेज में दिया क्या है तुम लोगों ने मुझे? सब कुछ तो लाई हूँ। क्या सब कुछ? क्या तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारे कपड़े हर बार मैं ही लेके आती हूँ अपने घर से। हाँ तो ठीक है, वो तो फर्ज है तेरा। फर्ज है और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। तो मैं नहीं नौकरानी हूँ क्या तुम्हारे घर की? तो नौकरानी हो, तुम्हारे पत्नी तो नौकरानी से बदकर होती है जब अपने पति की बात नहीं मानती। क्यों, पति का कोई हक नहीं बनता? जितना मेरा हक है वो मैं करता हूँ। पति का कोई हक नहीं बनता अपनी पत्नी की बात मानने का, उसकी ख्वाहिशें पूरे करने का? सिर्फ बिस्तर में और घर में काम करने को चाहिए नौकरानी की तरह, चाहिए अपनी बीवी बस, और कुछ नहीं है। मुझे बेफजूल की बातें सुनने का वक्त नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। करो और शौक से करो, देखती हूँ कितने दिन रहती हो। देखता हूँ नहीं, और फिर मैं तुम्हारी तबाही का तमाशा देखने आऊंगी और ताली बजाऊंगी। देखो प्रीति जी, तबाही का तमाशा और जब तुम देखना होगी, मैं ऐसा काम करने का ही नहीं, ठीक है? मैं तो तुम्हें बैठा के कौन खिला सकता है, ये तो मैं ही हूँ कि मैं ये सोचती हूँ मेरा पति है, जब तक चल रहा है ना चलाऊंगी, मतलब निभाऊंगी इस शादी को। लेकिन आज तुम ही इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो वेल एंड गुड। कबाड़ी कबाड़ी एक कबाड़ी 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 कबाड़ी। लवा भाई आज कमाई कमाई तो ऐसी हुई, बिल्डिंग भी देख कर आज अपने पल्ले तो पीनी पड़ गया। ले बे दो बात जिससे करूँ मैं, बोली बोलनी पानी तो। अरे है क्या कुछ कबाड़ा पबाड़ा? किसको कह रहा? अजी मैं आपको थोड़ी कह रहा, मैं तो कबाड़ी हूँ, कबाड़ी कह रहा, आप कबाड़ा थोड़ी हो। तो क्या लगती है तुझे? तुम जान को छोड़ लग रहा। बता तो फिर कैसी लग रही मैं तुझे? अजी मुझे तो आप बिल्कुल हीरोइन लग रही, एकदम एक्टर लग रही। अजी आप तो सुंदर हो, सुशील हो, जवान हो, बस क्या बताऊँ आपके बारे में। बता बता ना और बता। अजी बता तो दिया और क्या बताऊं, सारी तारीफ मैं ही करूंगा के
थोड़ी सी और कर दे तो तेरा के घट जाएगा। बता भाई, दो तारीफ क्या करती है तो मेरे गली में गली की? क्या सोच रहा है तू मेरे बारे में? अजय मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं तो गरीब आदमी अपने रोटी टुकड़े बारे में बस थोड़ी मेहनत करूँ। तुझसे एक बात कहूँ, मानेगा मेरी? तारी बात तो पहले मैं एक बात कहूँ, तुम पुलिस हो, कमिश्नर हो या कुछ बड़ी कुछ अधिकारी हो, क्या हो तुम? लग तू ही बता दे तुझे मैं क्या लगती हूँ। अजय तुम अपनी जगह जो भी हो ठीक हो, मुझे चलन दो, मेरे दिहाड़ी का टाइम हो रहा, मुझे दिहाड़ी करन दो। अजय नाना, अरे सुन सुन नाना, बस रहने दो। ना मुझे तुम जान दो बस। बड़ा ही सुंदर सुशील और हसीन था, सोचा था फसा लूंगी से, भले ही कबाड़ी था। क्या करूं यार, मेरे जैसे सुंदर लड़के कोई फंसता ही नहीं। चल फिर भी चलती हूँ। यार नीतू, कुछ काम करना वो जी नहीं करता, बस सिर में दर्द रहने लगा। की करूं मैं? बतेरे काम धंधे हैं, देख लो कुछ भी। अरे काम धंधे तो है पर करने को जी तो नहीं करता। घर में पड़े पड़े कब तक आवेगा? आ जाएगा जहाँ भी आवेगा। कौन आ रहा? ये तो कबाड़ी वाला है। कबाड़ी? हाँ कबाड़ी, कबाड़ी, कबाड़ी। अरे के क्या लेकर आया कबाड़ में तू? अजी लोहा है, टीन है, प्लास्टिक है, और क्या दोगे तुम? अरे भाई इसने भी ले जा, ये भी मारा कबाड़ है, क्या है करत का नहीं। अच्छा मैं कहीं मैं कबाड़ हूँ? जब कोई काम धंधा नहीं करता इंसान तो कबाड़े हो है। अच्छा काम धंधा थोड़े काम कर रखे हुए, पांच छह बालक कर रखे हुए, काम करके तो कर रखे, बिना काम के हो रहे हुए। उन्हें खवाओगा कौन? खवाओगा कौन मैं बताऊंगा भाई? हमारे दो तो फ्रिज हैं, दो कूलर हैं, दो एसी हैं, मुझे वे कबाड़ में तुलवाने हैं, ले लेगा के? ये घर का सामान भी टिकाने लग गया के? अरे घर में जो पुराना सामान हो भी एक दो दो पीस आ जाएंगे। अच्छा मैं भी पुरानी हो रही हूँ, मन्ने भी बेच दे। कौन कह रहा तू पुरानी हो रही? अरे तो नवी भी ऐसी लगे और पुरानी भी ऐसी लगे, तुझे नहीं बेकू मैं कितने में भी, समझ गई के? आ दो भाई नू बता के भा लेगा कबाड़ को जी या इन्हें? के मतलब? अजी ना तुम कह रहे थे ना ये भी पुरानी होगी, मैंने सोचा ऐसे ही खरीद लूं। अच्छा रे कितनी उम्र है तेरी? अजी उम्र तो क्या लो तुम मेरी, जो तुम बेचोगे वो मैं खरीद लूंगा। लेना चोट तू है ना, और छह बालक है मेरे। उम्र देख कर तो लगता नहीं छह बालक की माँ होगी यार, तो नौकी नो ही पड़ी। जबान संभाल के बात करिए, इसी रेड़े में धर के बेचाऊंगी तने, जानता नहीं कौन हूँ मैं। अजी जान पहचानता, मुझे कौन सा रिश्ता करवाना? रिश्ता को तो छोड़, नू बता तू इतनी रात को आया अकेले? अजी मैं आ तो दिन का ही रहा, तुमने मुझे बातों में दिन चुपवा दिया। मुझे तो तेरे मिजान कुछ और लग रहे, साफ साफ बता तू आया के लेन यहाँ से, बता। अरे के लेन आया तू यहाँ, बता वे। अजी कुछ कुछ नहीं। बता के लेना। अरे छोड़ दो ना, गरीब आदमी ने पिटन लग रहे कदे तुमने, थारे जी साहब फंस गया ना, अरे बराबर का जब पता चलेगा थारी कुकड़ी सी मरोड़ देगा। अच्छा तू इसके चक्कर में हमारी कुकड़ी से पतरवाओगी? छोड़ दो भी, क्यों इसके पीछे पड़ रहे हो? अरे मैं गरीब आदमी है। अरे मैं इसके पीछे नू पड़ रहा, ये कबाड़ी है ना, रात को आके देखा लोगों घेर में केक के पड़ा इस बहाने सिर, और फिर आके खाके चलते बने, नुको नुहर नुहर सारा सामान बेच रहे हैं पेरे कबाड़ी। तू तो इसकी और ज्यादा ले रही, कुछ तेरे मन में तो फर्क नहीं लग रहा? हाँ मेरे मन में तो बहुत फर्क आ गया। लग रहा मुझे, लगता रहेगा। तुम इसने जान दो, जान दो इन्हें। कैसे जान दो? क्यों तू मुझे जवान सवाल का बात करिए, ऐसे वैसे कबाड़ी नहीं है हम, वीआई पी कबाड़ी वाले हम। देख ले के ना सा बढ़ावा दे तू, चढ़िया नहीं सिर पे, तू निकट ले आते हैं, इसे भेज दे, मैं नुकरा नहीं तू। हाँ हाँ ठीक, भेज दे से, आराम से खड़े रहो। काम उल्टा पड़ गया, कहाँ जा रहा? कहाँ कहाँ जान दो, उसने अपने काम पे जान दो।
जान दो उसने अपने काम पे, थारे की डालना है, वो घर में पड़े पड़े खा रहा है, नाच की नाड़ तोड़ दी बस। तेरा कहने का मतलब है मैं ठल्ली पड़ के खाऊं? हाँ खावे, जाकर रोटी बना ले, जा 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 रोटी बना, भूख लग रही है मने। भूख लग रही है वो कम तो मजा पिला रही, काम करवावे उनू अरनू, तोड़ देता मैं उसकी दही से आज। जा चले आ जा, ना तो मैं तोड़ दूंगी तेरी दही। फालतू नहीं बोल रही, नू है बोलूंगी मैं तो बोलू जा, ठीक है बना लूंगा मैं रोटी, जा बना ले।